ये आपको ये जाली दिख रही होगी, ये हमने इसलिए लगाई है क्योंकि नील गाय आती है इसीलिए, जो कि फसल को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए हमने लगाई है ये जाली। और इसे देसी भाषा में हम रोजड़े बगाने की रोजड़ों के लिए कहते हैं जाली, रोजड़ों की जाली। इससे क्या वो फसल के अंदर नहीं जा सकते हैं और फसल को नुकसान नहीं हो, इसीलिए लगाई है। आपको दिख रही होगी, ये देखिए रोजड़ों की जाली कहते हैं इसे देसी भाषा में गाँव के लोग, और इसे नील गाय की जाली। आप अपनी खेत की बाउंड्री भी कर सकते हैं इसे, ये देखी होगी आपको, ये इधर लग रही है, ये देखिए जाली, तोते की जाली है ये। इससे क्या नशेड़ी तोते सुबह जल्दी आ जाते हैं, लगभग 5:30 बजे तक यहाँ आ जाते हैं, और सुबह सुबह इसीलिए हमको भी सुबह जल्दी आना पड़ता है, इसीलिए हमने ये जाल लगाए। लगभग 3-4 साल हो गए इस जाल को लगाते लगाते हमारे, इससे हम आराम से धीरे से आते हैं घर से और फिर अफीम लुके फिर चले जाते हैं घर पे, और शाम को भी हमको नहीं आना पड़ता, वरना तो हमें पहले शाम को भी रोज़ आना पड़ता था, पूरे दिन यहीं रहना पड़ता था, इसीलिए हमने 4 साल से लगभग जाल लगाई है ये। आपकी फसल को नुकसान करे तो आप भी लगा सकते हो ऐसी जाल। इससे लगाने से क्या आप कहीं भी जाओ तो भी आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको जल्दी यहाँ पे नहीं आना, आपके तोते नहीं ले जाएंगे जाली से ये डोडे, इसीलिए।